नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आई10 स्पोर्ट्स CNG है, ये 9 लाख की मुझे पड़ी है। अब कई लोग बोल रहे थे यार तुमने मैगना क्यों नहीं ली। अब देखो दिमाग लगाओ यार, ठीक है मैगना, देखो पहली बात तो मैगना अवेलेबल नहीं थी, दूसरी बात अगर अवेलेबल भी होती तो भी नहीं लेता। 50 का डिफरेंस था मैगना टू स्पोर्ट्स। अब देखो मुझे अलॉयस मिल गया, ऑटोमेटिक AC मुझे सिस्टम मिल गया, ठीक है, मतलब फुल टच स्क्रीन मुझे सिस्टम इसमें मिल जाता है, फुल्ली लाइक एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आप सब कुछ इसमें प्ले कर सकते हो। अब कई लोग आके बोलेंगे भाई इसकी क्या जरूरत है, भाई इसकी बहुत जरूरत है, ठीक है। आप जब इसमें गूगल मैप चलाते हो ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसको मैंने सिर्फ लगा रखा है वीडियो ब्लॉगिंग करने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है। मस्त इसमें एप्पल कारप्ले लगाओ एंड मस्त आपका मैप यहाँ पे कॉपी हो जाता है, बाहर से लगवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग लगवाते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है पर्सनली, ऑटो AC बहुत काम का है आपको सबको पता है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ टॉप मॉडल का जो मजा है ना टॉप मॉडल में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अब सिर्फ 50,000 के लिए मैं अलॉयज छोड़ दूँ। आप बताओ अगर मैं एक कंपनी से सिर्फ मैगना से स्पोर्ट्स पे अगर स्विच मैगना पे स्विच करता और फिर मैं सोचता कि अलॉयज लगाने का 30-40 हज़ार तो वो यहीं से ही खा जाते, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा। 50,000 में मुझे 50 से 60 हज़ार रुपये ऑन आउट पड़ा एक्स्ट्रा देने का और मुझे सब कुछ मिल गया भाई, मुझे सिस्टम मिल गया जो मुझे चाहिए था किसी भी कंडीशन में, एक टच स्क्रीन सिस्टम। इनफैक्ट मतलब मैं बता रहा हूँ कि म्यूज़िक तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मुझे गूगल मैप के लिए चाहिए था कि कभी आप लाइक आप गाड़ी चला रहे हो दिल्ली शहर में चल रहे हो, कभी ये रोड बंद है कभी वो रोड बंद है, तो आपका बहुत ये काम का आता है ये गूगल मैप, ठीक है। जो लोग डेली यूज़ करते हैं उनको पता है कितने काम का चीज़ है। उस टाइम मैं अब इसको यूज़ करता हूँ, इसमें फ़ोन लगा लूँ तो फ़ोन अलग से काम, भाई फ़ोन का दिमाग मतलब फ़ोन अलग ये अलग, तो मुझे चाहिए था अपनी गाड़ी में ये कि ये बहुत काम का चीज़ है, इसीलिए मैंने सिर्फ 50-60 में। इनफैक्ट मैं सबको बोलता हूँ मैगना से अच्छा स्पोर्ट्स पे जाओ, नहीं मिल रहा है अलग बात है, लेकिन भाई देखो गाड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत सोच करती है। आप CNG ले रहे हो तो आप समझ रहे हो कि अगले 10 साल तक आप चलाओगे इसको, अच्छा खासा रनिंग करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ले रहे हो तो स्पोर्ट्स लो भाई, इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो AC तक मिल जाता है, तो आपको कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मेरे कार में ये नहीं है मेरे कार में वो नहीं है, ठीक है। तो एक मिसिंग फीचर है जो नहीं है जो हम लगवा भी नहीं सकते, वो बस वही है कि इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, बट दैट्स ओके, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लेना है लो, लेकिन स्पोर्ट्स मॉडल चॉइस अगर ट्राई कर रहे हो ना गाड़ी खरीदने का तो स्पोर्ट्स मॉडल लो। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि गो विथ ऑरा SX, आप एक बार जाके देखो कि सेडान में क्या मस्त बनाया भाई 10 लाख रुपए में CNG के साथ, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। तो गाइस मैं i10 यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू i10 डेफिनेटली मुझे कमेंट करो, एंड अगर आप मैगना एंड स्पोर्ट्स में कन्फ्यूज़ हो तो भाई अगर पैसे हैं तो गो विथ स्पोर्ट्स एक बार भी मत सोचो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ये स्टीयरिंग रैप लगवाना होगा और कुछ नहीं, एंड बिंदास आप यूज़ करो, कोई घंटा आपकी गाड़ी से कोई छेड़खानी आपको कुछ नहीं करवानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। डेफिनेटली गो विथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।